नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी सर्कल। आज हम इस टॉपिक पे बात करने वाले वो है आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई की भर्ती के लेकर, जो कि इसका रिक्रूटमेंट जो है वो कुछ दिन पहले ही एज ए शॉर्ट नोटिस रेलवे के साइट पे आपको देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ही अच्छा, बहुत दिनों के बाद इसकी वैकेंसी देखने को मिल रही है हमें आरपीएफ की, जो कि जिसकी वैकेंसी जो है हमारी, आप देखेंगे जो उसकी वैकेंसी है वो लगभग 4660 वैकेंसी आई है, जिसमें कांस्टेबल की जो वैकेंसी है, कांस्टेबल की जो वैकेंसी इसमें आई है उसकी है लगभग 4208, और जो एसआई की वैकेंसी है सब इंस्पेक्टर की उसकी है 452 वैकेंसी। और इसकी बात कर ले, ये जब वैकेंसी में कुछ खास नहीं है, लेकिन इसमें कुछ और भी वैकेंसी में भी जुड़े आगे जाकर तो आपको देखने को मिल सकता है। इसकी जो एज लिमिट रखी गई है, एज लिमिट अब देखें, एज लिमिट जो कांस्टेबल का है वो 18 से 28 वर्ष रखा गया है, ये है आपके कांस्टेबल के लिए। और जो आपके एसआई के लिए है, एसआई के लिए 20 से 28 साल आपको रखा गया है, ये है आपके लिए एसआई के लिए। तो बेसिकली जनरली ये 20 से 25 साल होती है इसकी एज लिमिट, लेकिन जो कि कोविड-19 की वजह से इसमें 3 साल का आपको और ज्यादा मिला है, जिसकी वजह से अब इसकी जो है एज लिमिट 18 से 28 तक रखी गई है। अब इससे बात कर ले हम इसकी एलिजिबिलिटी की, जो योग्यताएं हैं, तो एलिजिबिलिटी जो योग्यताएं हैं इसमें, अगर जो उन बच्चों को कांस्टेबल की तैयारी करनी है और वो कांस्टेबल तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए 10th पास होना इंपॉर्टेंट है बस। अगर उन्होंने 10th पास कर लिया तो अपने कांस्टेबल को लेकर भर्ती, कांस्टेबल की जो भर्ती है उसको लेकर आगे बढ़ सकते हैं। और जो एसआई के लिए है, एसआई के लिए आपको जनरली ग्रेजुएट होना चाहिए, जो भी ग्रेजुएट कर रखे हैं उनके लिए ये एसआई की पोस्ट है, जो कि आप जो बच्चे एसआई की तैयारी कर रहे हैं वो अगर ग्रेजुएट हैं तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। और अगर हम बात करें इसकी एप्लीकेशन की, कि एप्लीकेशन स्टार्ट कब हुआ है, तो अब देखेंगे जो एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ है या मैं कहूँ एप्लीकेशन स्टार्ट होने वाला है, वो बेसिकली आपको पता चलेगा कि 15 अप्रैल से इसकी एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगी। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाके चेक कर सकते हो। इसकी जो लास्ट डेट है वो रखी गई है 14 मई तक, 14 मई तक है इसकी लास्ट डेट। अब आप इसमें देखेंगे जनरली इसको जो है 14/5/2024 तक इसकी लास्ट डेट है, और इसके अंदर जो सिलेबस है, सिलेबस जो है आप देखेंगे 3 फेज में इसकी सिलेबस होता है, जिसमें कि फेज वन में आपको सीबीटी का एग्जाम देखने को मिलेगा, सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होते हैं, सीबीटी एग्जाम वो होंगे। फेज टू में, ये फेज वन की बात कर रहा हूं मैं, फेज टू जो होगा आपका, फेज टू की अगर मैं बात करूं तो आपके पीईटी होते हैं, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जो बोलते हैं आप, और इसी के साथ आपका मेडिकल मेजरमेंट जो होते हैं, पीएमटी फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होंगे, ये भी इसके साथ फेज टू में हो जाएगा। और जो फेज थ्री है, फेज थ्री उसमें आपको कुछ नहीं करना, ये आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। ये 3 फेज में आपके इसके पेपर होने वाले। अब अगर मैं बात कर लूं तो आपने देखा वैकेंसी जो है इसकी 4660 है, और हो सकता है आगे जाके इसकी वैकेंसी बढ़ेगी। कांस्टेबल की जो वैकेंसी है इसमें 4208 है, एसआई की जो वैकेंसी है इसमें 452 रखी गई है। इसकी एज लिमिट 18 से 28 है कांस्टेबल के लिए, और 20 से 28 आपकी एसआई के लिए। और इसकी जो योग्यताएं हैं, अगर आप कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो आपको 10th की जरूरत है बस, और अगर आप एसआई की तैयारी करना चाहते हैं तो आप ग्रेजुएट होने चाहिए। और उसकी बात कर रहा हूं मैं, एप्लीकेशन स्टार्ट जो होगी वो 15/4/2024 से, उसकी लास्ट डेट है 14/5/2024। इसकी जो सिलेबस है वो मैंने आपको बता दिया, फेज वन में सीबीटी एग्जाम होगा जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, फेज टू में पीईटी होगा जो कि फिजिकल मेजरमेंट होते हैं, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, साथ में मेजरमेंट जितने भी हो चीजें रनिंग वगैरह उसके अंदर आएंगे। फेज थ्री में नॉर्मली आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। आगे देखेंगे इसके एग्जाम पैटर्न जो होने वाले हैं, इसके एग्जाम पैटर्न आप देखेंगे, पहला होगा आपका जीआई, जिसको जनरल इंटेलिजेंस बोलते हैं, जिसको रीजनिंग बोलते हैं। रीजनिंग के आपके 35 क्वेश्चन होने वाले हैं, जिसके 35 मार्क्स मिलेंगे आपको। उसके बाद आते हैं मैथ्स पे, जो अर्थमैटिक है होगी मैथ्स,
अर्थमैटिक मैथ्स होंगे जिसमें 35 क्वेश्चन इसमें भी होने वाले हैं आपके, जो इसके लिए आपको मिलेंगे टोटल 35 मार्क्स। नेक्स्ट वाला जो है आपको जनरल अवेयरनेस है, जनरल अवेयरनेस में आपको टोटल 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जिसके 50 मार्क्स मिलेंगे आपको। जनरल अवेयरनेस में जैसे जीएस हिस्ट्री ज्योग्राफी करंट सारे कुछ आएंगे इसके अंदर, तो कुल मिला के इसके 120 क्वेश्चन बनते हैं और कुल आपको 120 मार्क्स मिलेंगे इसके। इसके अंदर निगेटिव मार्किंग भी रखी गई है, तो निगेटिव मार्किंग है वो वांटेड है, मतलब अगर एक क्वेश्चन आप गलत करते हो तो आपको 0.33 मार्क्स इसके कट जाएंगे। देखिए आगे अगर मैं फेज टू की बात करूं जो कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जो होंगे आपके और फिजिकल मेजरमेंट जो होंगे टेस्ट, उस सब में आपको अगर देखा जाए उसमें कैटेगरी वाइज आपको दिया रखा है कि अगर आप जनरल या ओबीसी कैटेगरी के हो तो उनकी हाइट जो होगी वो 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए और जो मेल और फीमेल कैंडिडेट जो होंगे उनके लिए 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ये टेस्ट ओनली मेल है, ओनली पुरुष के लिए है, जिसको बिना फुलाए 80 होना चाहिए, फुलाने के बाद 85 होनी चाहिए। आप देखेंगे जो एससी एसटी से आते हैं उनके लिए जो मेल कैंडिडेट है उनकी हाइट होनी चाहिए 160 सेंटीमीटर और जो फीमेल कैंडिडेट है उनका होना चाहिए 152 और जो इनका जो बिना फुलाए जो इसकी चेस्ट है वो 76.2 और फुलाने के बाद 81.2 होनी चाहिए। और जो भी विशेष जनजाति है जैसे पहाड़ी क्षेत्र के होते हैं, गढ़वाल वाले जो होते हैं, उन सब जैसे जनजातियों के लिए उनकी जो हाइट रखी गई है पुरुषों की वो 163 सेंटीमीटर है और जो महिलाएं हैं जो फीमेल है उनके लिए 155 सेंटीमीटर रखी गई है। और इनके लिए भी जो पुरुष है सिर्फ पुरुष के लिए उनकी चेस्ट जो है 80 सेंटीमीटर और ये फुलाकर 85 सेंटीमीटर रखी गई है। अगला देखेंगे हम लोग अगर रनिंग की बात कर ले, वो तो पहले वाले हमने देखा था उसकी फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट जो होती है छाती फुलाने की, ये सारी चीजें हमने देखा था। अब बात कर लेंगे कि इसमें रनिंग की क्या प्रक्रिया है। तो आप देखेंगे एसआई की जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे, एसआई के लिए जो मेल की जो है वो 1600 मीटर में उनको 6:30 की टाइम के अंदर उन्हें 1600 मीटर की दौड़ पूरी करनी होती है। इसमें 800 मीटर की जरूरत नहीं है मेल के लिए और इनकी जो लॉन्ग जंप होगी वो 12 फीट की रिक्वायरमेंट है कि 12 फीट आपको लॉन्ग जंप करना है और हाई जंप में 3 फीट 9 इंच की जरूरत पड़ेगी आपको। उसी तरह एसआई फीमेल की अगर बात कर ली जाए तो उसमें 1600 मीटर की जरूरत नहीं है, उनके लिए 800 मीटर की दौड़ है जो कि 4 मिनट के अंदर उन्हें पूरी करनी है और इनका जो लॉन्ग जंप है वो 9 फीट रहेगा और हाई जंप जो है वो 3 फीट रहने वाला है। और जैसे कि एसआई की मैंने बात किया, जो बच्चे कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आप देखेंगे जो मेल कैंडिडेट हैं उनके लिए ये 5:45 के अंदर ये 1600 मीटर की दौड़ पूरी करनी है, इनमें 800 मीटर की जरूरत नहीं है और इनकी जो लॉन्ग जंप होगी वो 14 फीट की होगी और हाई जंप जो होने वाली है वो 4 फीट की होने वाली है। और वैसी तरह कांस्टेबल की जो महिलाएं इसके लिए तैयारी करेंगे तो जो फीमेल कैंडिडेट है उनके लिए 1600 मीटर की जरूरत नहीं है, 800 मीटर के लिए इनके 3:40 पूरा करना होगा और लॉन्ग जंप इन्हें 9 फीट की लॉन्ग जंप चाहिए होगी और हाई जंप इनको 3 फीट की जरूरत चाहिए। तो बस इस प्रक्रिया को अगर आपने पूरी कर ली और अच्छे से आपने इसकी तैयारी कर ली तो आप अपने जॉब को लेकर एक भर्ती अपने लिए करवा सकते हो। तो बेसिकली जो विद्यार्थी इसके लिए उत्सुक हैं रेलवे के कांस्टेबल के लिए जो कि बहुत ही अच्छी जॉब मानी जाती है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में, तो अगर आप इसकी तैयारी करना चाहें तो आप हमारे स्टडी सर्कल के साथ जुड़ सकते हैं। इसकी तैयारी हमारे यहाँ बहुत ही अच्छे तरीके से होगी, इसकी बैच कुछ दिनों में स्टार्ट होने वाली है जो कि आरपीएफ को लेकर है और इससे रिलेटेड जितने भी एनटीपीसी वैकेंसी आने वाली है तो सारे सिलेबस इसके जो है सब कुछ सेम ही होने वाली है। अगर आप एनटीपीसी तैयारी कर रहे हो तो अगर अभी से आप इससे साथ जुड़ जाते हो, अभी से अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करते हो तो आप अपने ना ही कॉन्स्टेबल बल्कि आगे जाके एनटीपीसी की तैयारी भी बहुत अच्छे तरीके से आप कर पाओगे। इसके लिए आप हमारे स्टडी सर्कल के जो रामनगर में ऑफलाइन ब्रांच है उसके साथ जुड़े और अपनी तैयारी को अच्छे से तैयार करें और अपने जॉब को लेकर और तथस्थ रहें और सुदृढ़ रहें और ताकि और तैयारी जो भी है आपके इसके लिए बढ़िया से शुरुआत कर दें इसके लिए। थैंक यू।